कांग्रेस की जनाधिकार सभा शनिवार को शहर के पदमगढ़ पार्क में आयोजित की गई। राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता इसमें शामिल हुए। दिग्विजय सिंह एक दिन पहले ही रीवा पहुंचे, जिनका सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ नगर प्रवेश करते ही जोरदार स्वागत किया था। आपको बता दें कि वृंदावन मैरिज गार्डन में दिग्विजय सिंह रीवा विधानसभा के सेक्टर मंडलम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया। फिर दोपहर पार्टी कार्यकर्ताओं, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत के चुने गए सदस्यों, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, NSUI सहित सभी प्रकोष्ठ के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद दोपहर पदमगढ़ पार्क में आयोजित सभा को संबोधित किया, जहां भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। सिद्धार्थ तिवारी का प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी को केवल जिताने का ही काम कर रही है। सच्चाई इस बात की खासकर हमारे अनुसूचित जनजाति के, लेकिन जरा आप सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं इसी तथा सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण बुजुर्ग, जहाँ से अंत होता है वो इसे क्रांति शुरू होती है। और सच्चाई पर आधारित बात करते थे और जो बात उनको सच्ची लगती थी उस पर वो जो है हर हाल में उसकी मदद करते थे। कांग्रेस पार्टी सच के लिए आज जो चपरासी के लिए साथियों गली गली भटक रहा, साथियों ज्यादा नहीं बोलेंगे इसलिए कि ये बड़े बड़े विद्वान हैं। इन्हीं के साथ आप लोगों का स्वागत करते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं। ये जो है सामने से यार चेहरा नहीं आ रहा है। 2024 रीवा में जीतना, इन्हीं शब्दों के साथ हमारे समेत समस्त कांग्रेस सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं आनंद प्रसाद जी, मिस गुड़ जहाँ कहीं भी हो। सभा के इस समापन अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश सुंदरलाल अमर रहे, संसद सुंदरलाल अमर रहे, मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया, पंचायतों को अधिकार दे दिए स्वीकृति करने की योजनाओं को लागू करने की, समझ नहीं आ रहा गई। और जो अधिकारियों के हाथ में ताकत थी उन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथ में देने वाले कोई और नहीं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। ये इसी तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के साथ भारतीय राष्ट्रीय 2000 में सरप्लस हो जाएगी और प्रदेश बिजली सरप्लस हो गया, परंतु किसान के पास बिजली अभी भी नहीं है। बिजली की बात हो रही है तो उसको जरा अपने जिले की एक इकाई से बात की जाए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री नाच नाच के गागा के टीवी के माध्यम से कोरोना में बोला कि हम एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा में लगा रहे हैं। बोला कि नहीं बोला सर? बोला कि नहीं बोला? बोला। क्या किसी भी घर में उसकी बिजली मध्य प्रदेश में मिली? चलिए बिजली नहीं मिली दिल्ली बंबई आपने भेज दिया। मेरा सवाल आता है दूसरा, क्या पढ़े लिखे लड़कों को चौकीदार का बड़ा शौक है प्रधानमंत्री को बोलने का? क्या चौकीदार की भी नौकरी मिली क्या उस प्लांट में? क्या एक आदमी है जिसके घर में मिली हो बच्चे को नौकरी? हमारी हजारों एकड़ जमीन ले ली गई, किसान की बहुमूल जमीन ली गई, लेकिन क्या एक भी घर में नौकरी मिली क्या साथियों? हमारे कमलनाथ जी की गलती क्या थी? क्या गलती ये थी कि बिजली का बिल हाफ किया और किसान का कर्जा माफ किया? माफ किया, क्या गलती थी साथियों? क्या ये गलती थी कि जो 275 रुपए मिलती थी पेंशन उसको कितनी कर दी? 600 रुपए कर दी और 1000 करने वाले थे। क्या ये गलती थी कि 24,000 रुपए जो मिलते थे कन्या विवाह में उसको कितना कर दिया? 51,000 कर दिया। क्या ये गलती थी साथियों? क्या ये गलती थी? अगर ये गलती नहीं थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी
एक पाप के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, एक किसान के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा करके उन्होंने जो पाप किया है उस पाप की कुर्सी पर आज मुख्यमंत्री कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस लाया। आज लगभग मुफ्त में लोगों को अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम बना रही है कि जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मिल चुका है, उसको अब सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले। कल रामपुर बघेलान में प्रजापति परिवार से बातचीत हुई हमारे कुछ लोगों की, पत्रकारों की। उसके घर में 7 सदस्य थे, अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान मिल गया, वो अधूरा है क्योंकि उसमें किस्त लेने में कितनी कमीशन लगती है बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 20,000 से 30,000 रुपए जब तक कमीशन ना दो तब तक पहले किस्ती रिलीज नहीं होती है, और आधा बना हुआ मकान पड़ा हुआ है वो प्रजापति जी अपने पुराने घर में है। तो परिवार में 7 लोगों के लिए अनाज को 35 किलो मिलता था, लेकिन वहां के तहसीलदार ने रंजीत साहब ने कहा कि तुमको मकान मिल गया इसलिए 7 सदस्यों को अनाज नहीं मिलेगा, 7 सदस्यों के बजाय तुमको केवल 3 लोगों को अनाज मिलेगा। भाई ये कौन सा कानून है, ये कौन सा नियम है, किस कदर से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को झूठ बोलकर इस प्रकार के योजनाओं के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को लगभग 19 साल बाद याद आई कि उन्हें अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए। मामा जी को भांजी का ख्याल तो था लेकिन बहना का ख्याल नहीं था। अब बहना का ख्याल आया तो कहा मां को 1,000 रुपये खाते में डाले और 7 शर्तें उसमें लिख ली। अब 7 शर्तों की पूर्ति अगर होती है तो बहना को 1,000 रुपये मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी साफ है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 1,000 रुपये जेब में डालो और उसकी जेब से 3,000 से लेकर 10,000 रुपये निकालो। किसान सम्मान योजना क्या है? साल में 6,000 रुपये किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा डीजल की कीमत बढ़ गई, किसानों पर बिजली का बिल बढ़ गया, खाद की कीमत बढ़ गई, लागत बढ़ गई, फर्टिलाइजर की बोरी 50 किलो की कटती है 45 किलो की हो गई, उपलब्ध नहीं होती है जिसमें नंबर 2 में खरीदना पड़ता है काला बाजारी में। तो आप समझ लीजिए इस सम्मान निधि मिली 6,000 और एक सामान्य 2 एकड़ का भी किसान है उसको साल भर में 25,000 से 33,000 रुपए का डीजल खाद बिजली का बिल और मजदूरी का घाटा होता है कि नहीं होता मुझे बता दीजिए। शिक्षा मुझे भी मिली, जब वो विधानसभा में 5 साल थे तो मेरी और उनकी सीट एक थी, तो जो भी बात जो भी भावना जो भी अपने विचार जो भी एक जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है मैं पास से ही मैं देखता रहता था, सुनता रहता था, समझता रहता था। तो जितना इसलिए उन्होंने पिछले 5 साल में जब मैं विधायक था मिला, एक बेटे जैसा मिला, एक छोटे भाई जैसा मिला, और सिद्धार्थ का जहां तक सवाल है उससे भी मेरा रिश्ता वही बनवा के गए थे मुझे याद है। जब दिल्ली में हम परिवार के लोग जब दो दो बार ऐसी घटनाएं घटी और वो हॉस्पिटल में रहे
उससे पहले श्रीनिवास वर्गीय श्रीनिवास जी तिवारी रहे, तब भी सिद्धार्थ को मुझे उन्होंने जो बात कही थी सिद्धार्थ को याद है नहीं है, मुझे तो याद होगा। तो मैं परिवार के हिस्से के रूप में यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि देश में एक अलग तरह का वातावरण चल रहा है जिसमें लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान पर प्रहार है, और राहुल गांधी जी को आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी, उसका उद्देश्य मात्र एक था कि देश में जो नफरत और घृणा इंसान इंसान में भेद होने की प्रक्रिया चल रही है वो भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा नहीं, भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा न्याय की है, अधिकार देने की है, त्याग की है, बलिदान की है, भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करने की है, गरीब की सबसे पीछे सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति का सबसे पहले ध्यान रखे इसकी है। साथियों, जब भगवान राम वन में राजा दशरथ के आदेश पे गए थे तो उनको जब वन में सबसे पहले कौन मिला तो उनको केवट मिले, उनको सबरी मिली, आदिवासी मिले, किसान मिले, वनवासी मिले, वानर मिले। उस समय भी राजा थे भगवान राम, कई राजा आसपास के राज्यों के बड़े बड़े सिकंदर थे, वो भी उस वन में जब भगवान राम तपस्या करने के लिए गए तो उनको मिल सकते थे, साथ दे सकते थे, रावण से लड़ने में सहयोग कर सकते थे। वो रावण जिसको न मरने का अमर होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था, जब भी सरीवा के अंदर आया करता था तो कहीं ना कहीं सरीवा के अंदर जब मैं पहली बार आया तो एक ऐसा नारा चला था सिद्धार्थ भाई सबसे पहले उस विराट विरासत को आप संभाल रहे हो, शोषित वंचितों दलितों को और गरीबों को साथ लेने की विरासत है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हाथ उठा के इकट्ठे होके एकत्रितों के बात करने की जरूरत है कि लोगों के अधिकारों के ऊपर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर डाका डाला जा रहा है अगर उस डाके के खिलाफ खड़े होना है तो इन शोषितों और वंचितों को साथ लेना होगा, क्योंकि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद की वो ताकत है, जो कहीं ना कहीं समाजवाद की वो ताकत है, जो समाजवाद की ताकत को खत्म करने पे लगी हुई है, और ये समाजवाद की अगर ये ताकत थी जो समाजवाद की ताकत को लेके स्वर्गीय सुंदर लाल जी तिवारी जी चले थे, अगर आज हमें उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो कहीं ना कहीं उन अधिकारों की बात करना पड़ेगी जिन अधिकारों के लिए वो अपने जीवन भर लड़ते रहे, कहीं ना कहीं बात करते रहे और कहते रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, सब कर लो बैठ मेरे लीला के निवासी और भी मजा भी आएगा।